Wordsworth as a romantic poet. Uske andar kya tha romanticism to aapko kafi detail bata diye. Let's see. Wordsworth is the pioneer of English romantic movement in the early 19th century along with H.T. Coleridge. The publication of Lyrical Ballads in 1798 marked the end of previous age of neoclassicism and the beginning of a new era in English literature. The age really deserves to be called the age of poetry, just as we say without the age of poetry, just as we say with the mistake that Elizabethan era is the age of drama. Wordsworth is the leading personality of his change from classical to romanticism, and lists basic traits of the romantic poetry in preface to Lyrical Ballads. This epoch making preface clearly shows that romantic tendency in poetry in its strict sense is the result of classical poetry, which stresses on order and restriction in expression. Wordsworth defines in a clear-cut manner the nature and function of his new type of poetry, as well as the role of poet as a creative artist. Before examining the qualities of romantic poetry and the Wordsworth's role as a poet, romantic poet, let us have a bird's eye view of his drastic change. Classical era is mainly called the age of pop. ये एज ऑफ पॉप तो आपने खैर क्लासिकल लिटरेचर में काफी कुछ पढ़ लिया होगा. पॉप वाज अ मॉडल फॉर अदर पोएट्स एंड हिज इन्फ्लुएंस फॉर मेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ क्लासिकल पोएट्री वाज डोमिनेंट. क्लासिकल पोएट्स वर कन्फाइंड टू सुपरफिशियल अननेचुरल कंडक्ट ऑफ मैन्स लाइफ एंड देयर मोड ऑफ एक्सप्रेशन वाज टू रिडिक्यूल देम. क्लासिकल पोएट्स जितने भी थे वो क्या करते थे, वो जस्ट कन्फाइंड थे कि वो सुपरफिशियल चीजों को, जिन्हों भूतों को, परियों को, एंजल्स को, एरियल जो रेप ऑफ दी लॉक में आपने पढ़ा था, और उनका मेन टास्क क्या होता था, और अननेचुरल कंडक्ट ऑफ मैन्स लाइफ उसको शो करते थे. लाइक क्लासिकल पोएट्री में हमने क्या पढ़ा या क्लासिकिज्म में हमने क्या पढ़ा कि जो हीरो होता था वो बहुत ज्यादा ताकत का मालिक होता था, और उसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसे ट्रेट्स होते थे कि कोई उसको हरा नहीं सकता था, वो बहुत ही अच्छा इंसान होता था. लेकिन बाद के जो पोइट्स आए, बाद की जो राइटर्स आए, जो स्पेशली न्यू क्लासिकल राइटर्स जिसे हम कहते हैं या रोमांटिक राइटर्स, उन्होंने इन सारी चीजों को निगेट कर दिया. उसने कहा नहीं, जो मैन है दैट इज टू अर्न इज ह्यूमन बीइंग, के इंसान जो है वो खता का पुतला है. ये लिख लें, कोट लिख लें, टू अर्न इज ह्यूमन बीइंग, टू अर्न ई डबल आर अर्न एरर से निकला, और टू अर्न इज ह्यूमन बीइंग. ठीक है, तो उन्होंने, और उनका क्लासिकल क्लासिकिस्ट का क्या होता था कि वो ज्यादातर रिडिक्यूल करते थे. रेप ऑफ द लॉक इज वन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू कि किस तरीके से ह्यूमन फॉलीज को जो है रिडिक्यूल किया गया उस रेप ऑफ द लॉक में एक मॉक एपिक के थ्रू. और अगर आप एपिक पढ़ते हैं तो वो क्लासिक को शो करती है, और उसके अंदर देखें कि वो बात कहाँ की हुई कि आसमान पे क्या हुआ था. तो ये सारी चीजें वहां पे क्लासिकल जितने भी आपकी पोइट्री है वहां पे आपने पढ़ा होगा नेचुरली. और इसी वजह से पार्ट टू की पोइट्री को रोमांटिक पोइट्री कहा जाता है, क्योंकि ये क्लासिकल पोइट्री के थोड़ा सा ऑपोजिट लिखी गई. नेचुरली अ चेंज वाज नोटिस इन द वर्क्स ऑफ प्रीकर्सर्स ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल इन द वर्क्स ऑफ ग्रे, कॉलिन, क्रे, बर्न्स, गोल्डस्मिथ एंड ब्लेक. अब इन सबकी अब नेचुरली एक चेंज आया. जाहिर बात है वो जब देखा कि भाई ये तो सारी सुपर नेचुरल चीजें हैं और शायद इसका जो है इंसान की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है या जो भी, तो फाइनली क्या हुआ कि ये जो है एक मोमेंट चली जिसको हम रोमांटिसिज्म कहते हैं, तो देन ये सारा कुछ हुआ. इवन दीज इमीडिएट प्रेडेसेसर्स ऑफ द वर्ड्सवर्थ टुक शेल्टर इन नेचर थ्रू, दो अनलाइक वर्ड्सवर्थ दे शेयर्ड ओनली एक्सटर्नल ब्यूटी. अब क्या हुआ कि ये जो इमीडिएट प्रेडेसेसर्स थे इन्होंने जो है क्या किया ऑफ वर्ड्सवर्थ, उन्होंने नेचर के अंदर शेल्टर तो लिया, यानी कि नेचर को उन्होंने शो तो किया. अनलाइक वर्ड्सवर्थ दे शेयर्ड ओनली एक्सटर्नल ब्यूटी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी के ऊपर बात की. लेकिन इन वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था, उसने कहा था मैन और नेचर का आपस में एक ताल्लुक है, और उसने इमोशंस की बात की थी, उसने दिल की बात की थी कि आपके दिल को, आपकी सेंसेस को क्या चीज भाती है. देखिए मैं एक ब्यूटी देखती हूँ और मैं कहती हूँ यार फूल कितना खूबसूरत है. एक पोइट है वो उसकी फूल की एक एक चीज को डिफाइन कर देता है, और वो उसके लिए ऐसे ऐसे मेटाफर, सिमिलीज और इमोशंस उसके क्रिएट होते हैं, और वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है. तो फिर हम क्या कहते हैं कि उसके अंदर से एक आवाज आई है. ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली वन पोइट ऑफ नेचर ऑफ दिस काइंड. The importance he linked with nature was new and uncommon for the reader of English poetry of that age.
He took nature as a source of mental soothing and spiritual elevation. Being born poet of nature, he went to nature for the interpretation of life. ठीक है, वो जो है being born poet of nature. अब वो poet of nature तो था, लेकिन he went to nature for the interpretation of life. उसने nature को as interpretation of life लिया. ठीक है, वो nature देखता था और life को interpret करता था. इस वजह से उसको पॉइंट ऑफ नॉट ओनली वो रियल नेचर की बात करता है, वो ह्यूमन नेचर की भी बात करता था. रियल नेचर को देखने के बाद वो ह्यूमन नेचर को इंटरप्रेट करता था थ्रू नेचर. दिस वाज एंटायरली अ न्यू कॉन्सेप्ट और आइडिया अबाउट नेचर एंड वर्ड्सवर्थ इज एप्रिशिएटेड इन दिस रिगार्ड. वर्ड्सवर्थ डिफाइंड पोएट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस दैट टेक इट्स ओरिजिन फ्रॉम द इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रिपलिटी. वो जो है उसने डिफाइन किया था पोएट्री को. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएट्री ना. ये बार बार रिपीट होगी, स्पेशली जब आप पीएस इलियट पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म में, तो वहां पे मैं आपको एक थ्योरी पढ़ाऊंगी. वहां पे आपकी ये जो है ये थ्योरी जो है वर्ड्सवर्थ की पोएट्री की, ये वहां पे काम आएगी कि उसने कहा था कि ये जो पोएट्री है ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल इमोशंस का, और जो कि अपना ओरिजिन लेती है फ्रॉम इमोशन रिकोलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. दीज देयर इज अ प्ली फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन इन इज डेफिनेशन ऑफ पोएट्री. यानी कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, यानी इंसान अपनी दुनिया से निकल के एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जाता है. ए फॉर्मल करेक्टनेस एंड ऑर्डर विच वॉज द गिफ्ट ऑफ 18th सेंचुरी पोएट्री इन न्यू वर्ड्सवर्थ एट हार्ट. ही बिलीव्ड इन इंटेंसिटी ऑफ थॉट फॉर क्रिएटिंग अ ग्रेट वर्क रादर देन फॉलोइंग अननेसेसरी लॉज. So Wordsworth threw away those rules and regulations and be a poet in his own independent way and like to express what he actually felt at his heart. His little poem Daffodils is beautiful expression of these powerful emotions that are recollected in tranquility and felt at heart. After enjoying the pleasing sight of moving daffodils, the poet says, "In such a jocund company, I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For often, when on my couch I lie, and they flash upon inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils." अब वो कहता है कि in such a jocund company I gazed and gazed. वो जब daffodils को first उसकी sight बढ़ती है, तो वो एक poem लिखता है. वो कहते हैं कि इन सच अ जोकेंड कंपनी, इतनी कंपनी में घिरे हुए, आई गेज एंड गेज, मतलब इतने सारे डैफोडिल्स को देख के मैं तो देखता ही रह गया, मैं तो हैरान ही रह गया. बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट. और वो कहते हैं ये एक छोटी सी सोच कि ये व्हाट वेल्थ दे शो टू मी, कि कौन सी वेल्थ है जो ये डैफोडिल्स मुझे शो कर रहे हैं. हैड ब्रॉट फॉर ऑफन, जो मुझे वो शो कर रहे हैं, यानी कि मेरे दिल को भा रहे हैं. व्हेन ऑन माय काउच आई लाई, कि जब मैं अपने काउच पे लाए करता हूँ, जब मैं सोता हूँ तो मुझे वो याद आते हैं, वो मुझे उनकी सोच मुझे भाती है. इन दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, और उन वो जो फ्लैश मतलब उनकी जो खूबसूरती है वो मेरी इनवर्ड आई पे छा जाती है. विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि ब्लिस है अकेलेपन में. जब इंसान जो है बहुत सैड पोजीशन में होता है, तो ये जो नेचर है वो इंसान को भाती है, वो नेचर इंसान को खुश करती है. एंड देन माय हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और फिर मेरा हार्ट जो है प्लेजर से फिल हो जाता है. एंड डांसेस विद डैफोडिल्स, और वो डांस करता है इन डैफोडिल्स के साथ. एज अ रोमांटिक पोएट वर्ड्सवर्थ कंसीडर्ड देयर मस्ट बी थ्री बेसिक फंक्शंस ऑफ गुड पोएट्री. Poetry must be for man, not for chooser gentry of society, as a poet is a man speaking to man. Poetry must give a fundamental truth to man, to himself and words around him. Poetry has a power to move its reader for doing well in real life. Wordsworth throughout his life followed and propagated these principles of poetry. Now, for so far as the themes of poetry is concerned, against Wordsworth took a bold step and rejected the old traditional themes or the traits of city life usually handled in the poetry of 18th century. Instead of it, Wordsworth introduced rustic life and characters in his poetry. To give so much importance and exaltation to common men was surprising new things for the reader of English poetry. This change in taste opened a new door of thinking for succeeding poets, and they started taking interest in men as a man.
Wordsworth's belief in the purity and simplicity of rural life got strengthened after the bitter experience of French Revolution. French Revolution ke baad kya hua tha? Haan ji, Anam, kya hua tha French Revolution mein? Any idea? Haan ji, Anam. नहीं, वो इसके कुछ लोग ना मार दिए थे क्योंकि वो काफी और कुछ जादू टोना करते थे कुछ मैजिकल हो गए थे इस वजह से. अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन पता क्या था? बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन आम हो गई. ठीक है, हुआ ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आम हो गई. इंडस्ट्रियलाइज, ठीक है, हुआ ये था. मैं आपको बताती हूं फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था. जब रेनेसां आया ना, रेनेसां के बाद एकदम से लस्ट ऑफ नॉलेज, लस्ट ऑफ पावर, लस्ट फॉर डिस्कवरी, ये सारा कुछ हुआ. ठीक है, जब नॉलेज आया, लोगों ने बिल्डिंग्स बनाई. जो यूरोप था वो तो मतलब वहां पे इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो खत्म हो गई कि लेबर कम पड़ गया, इतनी इंडस्ट्रीज कायम हो गई. और फाइनली क्या हुआ, इंसान जो है मटेरियलिस्टिक हो गया, पैसा कमाने की दौड़ में चल गया. उसमें फिर ये हुआ कि जो यूरोपियन नेशंस है ना, इन्होंने फिर रुक किया क्योंकि इनके तो सिटीज में अब इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स बन गई थी, इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज बन गई थी कि आम इंसान को कोई नहीं पूछता था. यानी कि गरीब गरीब तर हुआ और अमीर अमीर तर हुआ. वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो अभी आप एक वाक्या सुना रहे थे ना बेटा, ये तो बहुत आगे जाके आया ना कि वो एक आपने कहानी कोई पढ़ी उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और फिर इस तरह से जंग. बेसिकली क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आम हो गई थी. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, आप देखें बिग सिटीज में लोग बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं, उनको एक दूसरे का ख्याल नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो पैसा कमाने वाली मशीन बन जाते हैं. तो वर्ड्सवर्थ ने फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो आफ्टर इफेक्ट्स हुए ना इंसान की जिंदगी के ऊपर कि वो मटेरियलिस्टिक हो गया, ये सारा कुछ हुआ, तो फिर उसने जो है नेचर और इंसान का एक ताल्लुक कायम किया. जाहिर बात है जो सिटी लाइफ थी वो तो फुल ऑफ इंडस्ट्रीज हो गई, मटेरियलाइज हो गई. तो फाइनली फिर उसने एक रूरल लाइफ की खूबसूरती जो है उसको बयान किया था. इस वजह से इसको पोइट ऑफ नेचर भी कहते हैं, इसलिए उसको रोमांटिक. और फिर वो उसने देखा कि इंसान जो है, क्योंकि वो जब वो मटेरियलिस्टिक हो गया तो नेचर से बहुत दूर चला गया, तो उसने फिर बताया कि नहीं भाई, नेचर का भी इंसान की जिंदगी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, दैट वॉज बेसिकली द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है, जो कि रेनेसां के बाद आया था. ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो फिर ये वो जो आप कहानी सुना रहे हो वो दैट इज जस्ट, वो हुआ ये ऐसे भी था कि कुछ लोगों ने मतलब इस तरह से भी हुआ था. वो बेसिकली क्योंकि दो फिरके बन गए थे, एक लेबर का और एक इंडस्ट्रियलाइज का. और फिर लेबर ने जो है वो जो है जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड पीपल थे उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, तो इस वजह से उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता. अच्छा जी, फिर आगे चलते. वर्ड्सवर्थ वाज नॉट हैप्पी विद द हैपनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन. I scarcely knew one night of quiet sleep. Such ghastly vision had I of despair and tyranny. अब उसने कहा कि I scarcely, कोई मुझे ऐसी रात याद नहीं है जिसमें मैं सुकून से सोया हूँ. Such ghastly vision, वो ghastly visions जो हैं, जो फसाद के, वो had I despair and tyranny. उसमें मुझे वो मुझे despair करते हैं और ये tyranny मुझे disturb करती है. And after being fed up with the artificial world. Artificial world, materialistic world, जिसकी मैं बात करी थी. He turned to nature for regaining his peace of mind and lost confidence. और वो जो confidence loss हो गया था, तो वो अपने peace of mind को regain करने के लिए और lost confidence को regain करने के लिए उसने फिर इसका किसका सहारा लिया? Nature का सहारा लिया. During the period of his ailment, while roaming aimlessly among hills and mountains, he met certain people. On these places, who impressed poet for their straightforwardness and independent life. That's why he chooses humble and rustic life as theme of his poetry. He thinks that human beings dwelling in huts and cottages, in dales and farms, have some noble virtues in themselves. उसने कहा कि भाई मतलब उसने क्यों ये humble और rustic life, rustic life किसे कहते हैं? Village life को, ठीक है? रूरल लाइफ को. उसने क्यों ये रस्टिक लाइफ को चूज किया एज अ थीम ऑफ हिज पोएट्री? उसने कहा कि भाई ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपनी हर्ट्स और कॉटेजेस में ज्यादा नोबल वर्च्यूज रखते हैं रादर देन पीपल लिविंग इन द बिग बिल्डिंग्स और इन लंदन और इन इंग्लैंड. ठीक है, ही ऑब्जर्व द नेचर लिविंग इन ऑर्डिनरी प्लेसेस एज इन दैट कंडीशन
The passions of men are incorporated with the beautiful and permanent forms of nature. उसने कहा, उसने ये observe किया कि ये जो natural living है ordinary places पे, उस condition में passions जो हैं इंसानों के, वो incorporated है with beautiful and permanent forms of nature. ठीक है, हम nature को ना देखें, हमें एक दिन सूरज की रोशनी नजर ना आए, तो आंखें कैसे चुंदिया जाती हैं. So, and in VR 7, he tells how he meets a little girl on Highland Place who tells him about her brother and sister. He goes on describing that how he is inspired by the innocent little girl who can hardly differentiate between life and death. Padhi thi VR 7. Mere khayal hai, ye FSC mein humne padhi thi, English mein ya phir BA mein padhi thi. VR 7. Another poem is a tale about a boy and a weathercock. Another concern a shepherd, Michael. Another pertains to leech gatherer. The Wordsworth shows that even in poorest life, there are matters for poetry, themes that can stir the imagination and move the emotions. This was highly a new concept in the field of poetry, and Wordsworth's achievement is indelible in this regard as romantic poetry. Wordsworth imagination, representation of common and seemingly unimportant aspect of life is the hallmark of his poetry. Uski ye jo commonly or seemingly unimportant aspect of life the, wo hallmark the uski poetry ke. He creates a sense of wonder in everyday occurrences and uplifts them to the level of supernaturalism with the help of his imagination. Just as Coleridge tackles with mysterious and supernatural world and brings them down to the level of natural, Wordsworth and Coleridge represent two different aspects of romantic poetry. As Wordsworth's themes of poetry are common and close to reality, so as they lay emphasis in lyrical ballads on the use of simple poetic diction. अब जो है वर्ड्सवर्थ की जो थीम थी पोइट्री की वो क्लोज टू रियलिटी थी और इसका बेसिक एम्फेसिस उसने कहाँ पे शो किया लिरिकल बैलेड्स में. इन अदर वर्ड्स ही शोज हिज यूज ऑफ सॉरी हिज कॉन्टेम्प्ट विद द गॉडीनेस एंड इन एन पेरोसियोलॉजी ऑफ द स्कूल ऑफ पॉप. हिज ऑब्जेक्शन टू वर्ड एल्सवेयर कॉल्ड अ वे ग्लॉसी एंड अनफीलिंग लैंग्वेज इज दैट टू सेपरेट पोइट्री फ्रॉम ऑर्डिनरी स्पीच इज टू सेपरेट इट फ्रॉम ह्यूमन लाइफ. So he insists upon simple language and easy style for composing poetry as it's more real, natural and unconceivable. Wordsworth also revolted against the rhyme scheme of the previous age, which encouraged satire and monotony. His various ors, lyrics and sonnets were romantic in color and glowed in musical utterances. Heroic couplets were given up and a variety of metrical experiments were made by the poet in the poem of rare beauty and charm. Kya hote hain Anam? Heroic couplets kya hote hain? Do tarah ke hote hain na, ek heroic couplets hote hain, ek free verse hoti hai. Heroic couplets kise kehte hain? Heroic couplets ka essay. I don't know. Acha, main aapko batati hu. Dekhiye, do tarah ke couplets hote hain. एक वो जिसके आपने वो देखे कभी हम काफिया का पता है उर्दू में आपको एक शेर सुना जी. हम काफिया जिसकी एंड पे राइमिक स्कीम सेम होती है ठीक है उसको ही कहते हैं ना उसको हीरोइक कॉपलेट हम काफिया हम आवाज होते हैं जो हम आवाज होते हैं एग्जैक्टली उसको इंग्लिश में कहते हैं कि इनकी राइमिक स्कीम एंड पे सेम है यानी कि जो एंड पे राइमिक वर्ड्स होते हैं वो सेम होते हैं उसको कहते हैं हीरोइक कॉपलेट और एक होती है फ्री वर्स ब्लैंक वर्स भी उसको कहते हैं ब्लैंक वर्स में जो है राइमिक स्कीम जो है वो सेम नहीं होती ठीक है वो हम आवाज नहीं होते एंड से अनम ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये आपके यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में वैसे आ जाती है लेकिन ये मैं पंजाब यूनिवर्सिटी को बहुत डिटेल पढ़ाती हूँ ठीक है तो नाउ यू हैव टू बी अब मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछ लेती हूँ ठीक है तो यहाँ से ये चीजें आपको पता Sorry? मैंने कहा ये चीजें आपको पता होना चाहिए मैं बीच बीच में से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ स्टूडेंट से नहीं मैम पता क्या मुझे ना अभी तक पता ही नहीं आप कहाँ से पढ़ा रही मैं वो चेक कर रही थी कि कोई एब्सेंट है पेज नंबर 375 ये करंट नोट्स का हाँ जी बेटा अच्छा फिर वो कहते हैं वर्ड्सवर्थ आल्सो रिवोल्टेड अगेंस्ट द राइम स्कीम ऑफ द प्रीवियस एज व्हिच एनकरेज सटायर एंड मोनोटोनी
His various odds, lyrics and sonnets were romantic in color and glowed in musical utterances. Heroic couplets were given up. A variety of metrical experiments were made by a poet in the poems of rare beauty and charm. The prelude is a forceful plea for simplicity of theme as well as of treatment. Wordsworth's introduction of autobiography into poet was another departure from the established mode of writing poetry. The prelude, Tinted Abbey, Imitation are famous autobiographical writings of the poet. Wordsworth's mystic experiences in nature, his feeling that spirit permeates through the object of nature and God, and his description of these experiences as a remarkable achievement in romantic poetry. There are many other excellences of Wordsworth as a romantic poet. Love of nature, elements of romance, feminism, natural expression, and style. Free play of imagination, enthusiasm, individualism, its reaction against the poetic diction of 18th century were the main features of the romantic poetry. And Wordsworth worked for the enrichment of these traits of romanticism. In truth, he was a great poet who consolidated the romantic movement in England, both by the theories and practice. And we can points to remember. Achha, in points to remember, ko aapne kya karna hai? Jab aap, aaj main aapko batati hoon ke paper solve kaise karna hai. जब आपने मेरा लेसन अटेंड करना है ना, आपने एक काम करना है, अपने हाथ में दो हाइलाइटर्स रखने, ठीक है? पेन के साथ आपके हाथ में दो हाइलाइटर्स होने चाहिए, एक ऑरेंज कलर का और एक हो आपका येलो कलर का, या एक ऑरेंज कर लें और एक वो जो पिंक से कलर का होता है वो वाला ले लें। अब जो मेन पोर्ट्स है ना वो तो आप हाईलाइट करेंगे ऑरेंज कलर के साथ, और जो रेड कलर है ना पिंक वाला, उसमें आप जो उसकी मेन थीम है ना, जैसे हर पैराग्राफ की एक थीम होती है। अब देखिए एंड पे इन्होंने पॉइंट्स टू रिमेम्बर लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स को जब मैं पेपर की टेक्निक बताने लगती हूँ तो मैं उसको एक चीज कहती हूँ कि जिस दिन आप पेपर देते हैं उस दिन आपके पास टाइम बड़ा कम होता है। क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है? क्वेश्चन को आपने पढ़ना है,